करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। कंप्लीट प्रोसेस फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ अग्निवीर रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको लॉग इन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फाइनल प्रिंट आउट कैसे निकालना है, कैसे एप्लीकेशन फी जमा करना है, ए टू जेड गाइडलाइंस फ्रेंड्स आपको जो है इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए और फॉर्म फिल करने में कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आ जाना है ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। यहां आने के बाद से देखिए ज्वाइन एज अ अग्निवीर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन खुल के आएगा कि अप्लाई ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे कंप्लीट योर एप्लीकेशन नाउ का एक बटन मिलेगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो इसी एप्लीकेशन से आपको जाना है फ्रेंड्स। आप जो इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट योर कोरस्पोंडेंस स्टेट, आप अपना राज्य का नाम चूज करेंगे जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य के निवासी है। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरेंगे, अगर मान लीजिए एरर आता है तो रीलोड करके नया कैप्चा कोड रीलोड कर लेंगे, फिर यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है आपका बोलेगा क्रिएट अकाउंट और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो लॉग इन करेंगे। अगर आप जो है इन द पास्ट पहले कभी जो है आपने इंडियन नेवी का फॉर्म फिल करा था तो उसी ईमेल आईडी पासवर्ड कैप्चा भर के आप लॉग इन कर सकते हैं, और अगर आप भूल चुके हैं पासवर्ड तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं और आपका ईमेल आईडी ही आपका जो है लॉगिन आईडी होता है, बस आपको पासवर्ड जो है रिकवर करना होता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट से नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि रजिस्टर विथ आधार वर्चुअल आईडी। देखिए दो ऑप्शन है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्चुअल आईडी डालना होगा। देखिए ऑप्शन आप दूसरा चूज करेंगे तो पूछ रहा है सिलेक्ट इशू फोटो आईडी कार्ड, इसमें से कोई एक आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या 10वीं 12वीं के पासिंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, इसमें से कोई ऑप्शन होगा तो आप उसको चूज करेंगे। फिर मान लीजिए जो ऑप्शन चूज करेंगे वही नंबर यहाँ लिखना होगा आईडी नंबर, जैसे मैंने पैन कार्ड चूज किया तो पैन नंबर, 10वीं का अगर हम आईडी चूज करेंगे तो यहाँ पे 10वीं क्लास का जो है सर्टिफिकेट नंबर या 12वीं का, दोनों में से कोई भी ऑप्शन को यहाँ पे लिखेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के सेव करेंगे। सेव करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम या फादर्स नेम, दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं, गार्जियन नेम में फादर्स नेम लिख सकते हैं, उसमें से पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड का यहाँ पे लिखेंगे वरना छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है, यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। नेशनलिटी आपको बताना है, इंडियन, नेपाली, भूटानी क्या है, उसमें से डोमिसाइल किस राज्य के निवासी है ये आपको यहाँ पे बतानी है। फिर जेंडर बतानी है, मैरिड है कि अनमैरिड, सिंगल है कि अनमैरिड है, तो आप अपना चूज करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, दो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है लेकिन एक मैंडेटरी है, एक नहीं भी देंगे तो चलेंगे। सेव करेंगे तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो पूछ रहा है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़ाई की है, मैक्सिमम 10th पढ़े हैं या 12th तक पढ़े हैं आप जो है कॉमर्स या ह्यूमैनिटी डिप्लोमा या इन साइंस, या 12th साइंस पढ़े हैं, 9th तक पढ़े हैं, बीई बीटेक किए हैं, कहाँ तक आपने मैक्सिमम पढ़ाई करा है वो चीज यहाँ पे आपको जो है चूज करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं जहां तक आपने पढ़ाई करा है। फिर यहाँ पे जो हाईएस्ट उसके वजह से स्ट्रीम क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे चूज किए तो स्ट्रीम बताना पड़ेगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो ये चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग जहां तक आपने पढ़ा हुआ है। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन इसके बावजूद भी आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखा है तो चूज करेंगे वरना छोड़ेंगे। फिर अकाउंट डिटेल्स वाले प्लस पे क्लिक करेंगे तो अपना ईमेल आईडी एक लिखना है, आपको पासवर्ड एक आपको बनानी है, पासवर्ड जो है कुछ भी आप बना, और ध्यान रहे जब भी आप कैप्चा भर रहे हैं ना तो एक बार इसको रीलोड करके कैप्चा को भरें, फ्रेश कैप्चा आएगा उसको भरें, फिर यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सेव करेंगे इस तरह से जो एक मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपको जो इंस्ट्रक्शन भेज दिया गया है आपके मेल एड्रेस पे, और आपको जो वेरिफिकेशन करना है 24 घंटे के अंदर में, अगर नहीं वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका अकाउंट जो डिलीट कर दिया जाएगा और आप जो है स्पैम फोल्डर, मेल बॉक्स वगैरह में जो चेक करेंगे कि कहाँ पे है। तो चलिए हम अपने मेल आईडी को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस तरह से मेल आया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है मेरे को मेल आया हुआ है, ये मेल आईडी दिख रहा है, इस तरह से जो है लोगो वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे वेलकम आपका नाम लिखा रहेगा और डू नॉट रिप्लाई indian@nic.in नेवी, इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इस पे क्लिक करना है कंफर्म करने के लिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना
तो एक पेज यहाँ पे ओपन होगा और आपके मोबाइल पे ओटीपी भी चला गया होगा। ओटीपी को यहाँ लिखेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुली कन्फर्म हो जाता है, इस तरह से मैसेज आ जाएगा। अब आपको फिर से अपना स्टेट चूज करना है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरे थे। और ध्यान रहे, जब भी ये कैप्चा कोड आ रहा है ना, आपको अगर सही भी भर के सेव करेंगे ना तो बोलेगा रॉन्ग है, तो आपको बार बार कैप्चा को यहाँ पे रीलोड करके ही फ्रेश कैप्चा जो आ रहा है उसके साथ आपको जो यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे अपना राज्य चूज करने के बाद से। यहाँ पे अब आपको वही वाला ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, जो पासवर्ड आप बनाए थे, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको लिखना है। फिर इस कैप्चा कोड को आपको भरना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। दसवीं का या डिप्लोमा का फॉर्म भरे तो डिप्लोमा का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, पीडीएफ में होनी चाहिए, 1 MB से ज्यादा अलाउ नहीं है फाइल। फिर पूछ रहा है कि 12वीं का साइंस क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप चूज किए थे वो बताएं, मार्क्स है कि सीजीपीए है। अगर मार्क्स है तो मार्क्स पे रहने देंगे, और आपको इंग्लिश में टोटल कितना मार्क्स का था और कितना आपको मिला है ये चीज यहाँ पे बता देंगे। फिर हिंदी का बताएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, जो जो आप पढ़ाई किए हैं सब्जेक्ट, वो चीज आप यहाँ पे भर देंगे, बायोलॉजी नहीं तो बायोलॉजी। अब अगला स्टेप में बोल रहा है कि सिलेक्ट सब्जेक्ट टू कंसिडर परसेंटेज ऑप्शनल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है ऑप्शनल्स में तो आप बता सकते हैं, पढ़े हैं तो नहीं इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट या रोल नंबर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, मार्कशीट का सीरियल नंबर या रोल नंबर, तो रोल नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, कौन सा स्टेट जो है आपने एग्जाम कंडक्ट करा था 12वीं क्लास, वो आपको बतानी है। फिर बोर्ड कंडक्टेड, कौन सा बोर्ड जो है कंडक्ट करा था आपका जो है एग्जाम, वो यहाँ पे आपको जो है बतानी है। फिर पूछ रहा है 10वीं क्लास का डिटेल्स यहाँ पे भरना है, तो सेम उसी कंडीशन में मार्क्स है तो मार्क्स वाला डिटेल्स आप चूज करेंगे। और टोटल यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा सब्जेक्ट वाइज, टोटल पूरे विषय को मिला के आपको कितना मिला है, मान लीजिए 500 का है, आपको मिला 360 नंबर, इस तरह से आप बताएंगे। तो फिर से सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, मार्कशीट का सीरियल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर नहीं चलेगा, यहाँ पे मार्कशीट नंबर बोला गया है, ध्यान रहे 10वीं के केस में बोला जा रहा है। फिर पूछ रहा है कि 10वीं क्लास का जो है यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम बताए, सॉरी किस स्टेट से कंडक्ट करा गया है, फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको बतानी है। तो देखिए फॉर्म इसलिए मैं समझा रहा हूँ इतने डिटेल में ताकि आप लोग गलती ना करें, सही से भरे। यहाँ पे 10वीं क्लास का मार्कशीट, मार्कशीट समझ रहे हैं, जिसमें आपको सभी विषय की जानकारी बताई होती है कि किस विषय में कितना नंबर मिला है, और ये भी पीडीएफ में 1 MB से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, देखिए मार्कशीट अलग होता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, तो 10वीं क्लास का यहाँ पे मार्कशीट और यहाँ पे 10वीं क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ये भी लिखा रहा है कि अगर आपके पास जो है पासिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया बोर्ड के द्वारा, तो उस जगह पे आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। तो सेम जो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड किया है वही यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया बोर्ड के द्वारा। तो फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे, सेव करेंगे, सेव करते हैं फ्रेंड्स, आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा एजुकेशनल वाला। अब आपको अपना जो है परमानेंट एड्रेस को फिल करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस को फिल करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो है, नीचे आएंगे। अगर आपका मान लीजिए सेम है कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी परमानेंट की तरह, सेम कॉपी यहाँ पे टिक करेंगे, सेम कॉपी ले लेगा। यहाँ पे आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगानी है, ध्यान रहे ये जो 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ध्यान रहे फ्रेंड्स। नेवी का कभी फॉर्म भरते हैं तो नेवी के लिए फ्रेंड्स जो गाइडलाइंस होती है, आप जो है ब्लू बैकग्राउंड वाला फोटोग्राफ जो हाल ही का खींचा होना चाहिए वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया ना फोटोग्राफ का इंस्ट्रक्शन कि गुड क्वालिटी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए ब्लू बैकग्राउंड के साथ, तो ब्लू बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे अपलोड करेंगे नेवी वाले सेक्शन में अपना फोटोग्राफ, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को भी अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करनी है, इस कैप्चा कोड को भर के आपको सेव करनी है। डिटेल्स को जैसे सेव करेंगे यहाँ पे आपका सारी जानकारी सेव हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपने जो है अपनी इन्फॉर्मेशन भरा था, फिर यहाँ पे पासवर्ड, एजुकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, सभी चीजों को अगर आप मिलाएंगे बारी बारी से, अगर कुछ भी एडिट करना है तो देखिए सेक्शन वाइज यहाँ पे एडिट का बटन बना हुआ, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद से फ्रेंड जब आप यहाँ पे सारी जानकारी को फिल कर लेंगे, अब आपको यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो करंट अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे आपको जो अग्निवीर का सेक्शन मिलेगा, ऑफिसर्स वाला या ज्वाइनिंग वाला है, और ये अग्निवीर का है। अग्निवीर का ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो दिखा देगा SSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या MR के लिए, वहां पे क्लिक करके जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये